अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मसूद इकबाल लीशा फूड सीक्रेट। आज हम बनाएंगे चाइनीज़ राइस। चाइनीज़ चावल कैसे पकेंगे ये आप आपको दिखाएंगे। जो जो चीज़ें हमने तैयार की हुई है वो आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, ये पहले हमने गाजरों को भी काट लिया है, और ये बंद गोभी है, और ये शिमला मिर्च है, इनको हमने काट लिया। गाजरों को हमने क्यूब की शक्ल में काटा हुआ है। तो चले अभी हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आपने हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़। अभी इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर हो गया जी। कोटा चमन चिकन कढ़ाई, ये देखिए माशाल्लाह, चिकन जो हमने फ्राई किया था ये इसमें चिकन जाएगा, 1.5 किलो चिकन है माशाल्लाह। ये अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। क्वेटा चमन चिकन कढ़ाई, क्वेटा चमन वाली हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। ये देखें, क्रश की हुई हमने इसके ऊपर सब्ज मिर्च डाल देनी है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए सुभानअल्लाह, लुक बनाइए जी बाबा जी। अभी हम इसमें क्रश किया हुआ सब्ज धनिया डालेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये सबसे पहले हम 2 अंडे ले लेंगे, इनको तोड़ लेंगे। ये देखें, तोड़ने के बाद ये हल्का सा नमक इसमें हम ऐड करेंगे, और इतना ही हम इसमें कुटा हुआ ज़ीरा भी ऐड करेंगे। इनको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये देखें, अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। व्यूअर्स, फ्राई पैन हमने रख दिया है, ये अभी हम इसमें ऐड करेंगे घी। ये देखें हल्का जी, बस ये देखें घी हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें जो अंडे हमने फेंटे हैं, अंडे को हम डाल देंगे। देखें ये अंडे हमारे तैयार हो चुके हैं। अंडे को हमने ऐसे छोटा छोटा कर लेना है। ये देखें, छोटे छोटे पीसेस के कर लेने हैं। ये देखें, ये गरम गरम के हो जाएंगे आसानी से। फिर हम इनको ऐड करेंगे चाइनीज़ राइस चावलों में। ये देखें, ये ऐसे आपने छोटे छोटे इसके पीस कर लेने हैं। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी माशाल्लाह, देखें ना, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, वीडियो को मुकम्मल फॉलो किया करें। तो ये मैं आपको बताना सिखा रहा हूँ चाइनीज़ राइस बहुत आसान तरीके से। तो ये इंशाल्लाह मेरी वीडियो को मुकम्मल आपने देख रहे हैं। व्यूअर्स, घी हमारा गर्म हो चुका है। घी में अभी हम ऐड करेंगे, ये देखें 1 टेबल स्पून हम इसमें तकरीबन 1/2 इंची जीरे को भूनेंगे, थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनने। व्यूअर्स, अभी जो हमने गाजरे क्यूब की तरह काटी हुई है, अभी हम इसमें ऐड करके गाजर को हल्का सा फ्राई करेंगे। जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, अभी हम इसको
3 से 4 मिनट हमने गाजरों को फ्राई किया है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे मटर। अभी 1-2-3 मिनट मटरों को लगाएंगे, ठीक है जी। ज्यादा नहीं करते, 2-3 मिनट, 3 मिनट गुजर जाने के बाद अभी हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। ये देखें बंद गोभी भी हमने काट ली थी, ये देखें बंद गोभी को भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। 3 मिनट गुजर जाने के बाद देखें ये गोभी हमारी कैसी चमकदार बन गई है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, शिमला मिर्च भी हमने काट ली क्यों लंबी तरह, ये देख लेंगे। अभी 2-3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। ये रुक देखे माशाल्लाह कैसी आई है, माशाल्लाह ये कैरी रोल हमारे बहुत शानदार बनेंगे, आपने जरूर बनाकर ट्राई करनी है इंशाल्लाह। वीडियो मुकम्मल देखिए। और इसमें आप ऐड करेंगे 5 गिलास पानी के, ये देखें 5 गिलास हमने ऐड कर दिए। साथ में इसमें जाएगा देखें 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, इसमें जायका आप अपनी मर्जी से डाल लें, ये ताकि कम ज़्यादा जो है अपनी मर्जी से, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है। अभी पानी की उबाल का इंतज़ार करेंगे, मिलते हैं फिर चावल डालने के वक्त। चावलों को उबाल आ चुका है, इसको पानी को अभी हम इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का ऐड करेंगे। ये देखें काली मिर्च ऐड कर दी है, तो आगे वाला प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। चावल देखें जी हमने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे, सेला चावल है, 1 किलो चावल लिए, अभी हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं जी। ये देखें चावलों को आपने अच्छी तरह इसमें बर्तन में नहीं छोड़ने हैं, गुना होता है। चावलों को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लिया, ये देखें मिक्स करके आपने अभी हम इसमें ऐड करेंगे। मर्जी अंडे करें तो आपकी मर्जी, 1, 2 ये 3 अभी आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना, ठीक है ना जी। अभी हम ऐड करेंगे इसमें अंडे, जो अंडे हमने पहले बना के रख लिए थे, ये देखें ये दम लगा दिया हमने, अभी मिलते हैं 30 मिनट के बाद। 30 मिनट गुजर जाने के बाद ये देखें ये दम से हमने उठा दिया, दम हमारा देखें माशाल्लाह कैसे जबरदस्त आ गया।